गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्लास सेवन हिंदी चैप्टर 17, वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह कौन थे? आपने कक्षा 6 में एक कविता पढ़ी थी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित, झांसी की रानी। तो झांसी की रानी कविता में बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आए थे जिन्होंने 1857 के संग्राम में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और अंग्रेजों को भगाने में उन्होंने काफी मदद की थी और इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया था। तो ऐसे उन वीरों में एक वीर कुंवर सिंह भी शामिल थे जो बिहार के जगदीशपुर रियासत के से बिलोंग करते थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था उनकी जीवन गाथा के विषय में इस चैप्टर में लिखा गया है। तो ये चैप्टर जो है ये किसके विषय में लिखा है भाई? वीर कुंवर सिंह की जीवन गाथा के विषय में कि वीर कुंवर सिंह का कहाँ के रहने वाले थे, उनका जीवन कैसा था, वो देशभक्ति की भावना उनमें कैसे जागी और उन्होंने किस तरह का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में दिया। तो इस पाठ के द्वारा हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को रीड आउट करते हैं। बताया गया है कि आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी कक्षा 6 में आपने पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको उस कविता की पंक्तियां तो याद आ रही होंगी, फिर भी एक बार इन पंक्तियों को हम पढ़ लेते हैं। ये पंक्तियां झांसी की रानी कविता जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है उस कविता की ये पंक्तियां हैं। हमने क्लास 6 में पंक्तियां पढ़ी भी होंगी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने उन सभी वीरों के नाम बताए थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। तो उनमें कौन कौन से वीर थे भाई? नाना धुंधु पंत थे, तात्या टोपे थे, अजय मुल्ला थे, अहमद शाह मौलवी थे और ठाकुर कुंवर सिंह जो निरंतर युद्ध कर रहे थे। ऐसे वीरों के नाम इतिहास के पन्नों में आज भी अंकित हैं। तो उनमें से वीर कुंवर सिंह के विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह क्या होता है? हथियारों सहित विद्रोह करना, भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। उस समय 1857 का जो संग्राम हुआ था उस समय हमारे देश में किसकी हुकूमत थी, किसकी गवर्नमेंट थी? ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी। तो सैनिकों ने असंतोष के कारण जो अंग्रेजों ने जो दमनकारी नीति अपनाई थी उससे असंतुष्ट होकर के भारत के सैनिकों ने उनके खिलाफ एक विद्रोह कर दिया था और उस विद्रोह से अंग्रेज जो थे वो क्या हो गए थे? डर गए थे और उन्होंने भारत छोड़ने की उनको ये लगने लगा था कि अब भारतीय जाग उठे हैं तो अब भारत पर हमारी हुकूमत नहीं चलने वाली है। उनके शासन की, ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। किसने? सशस्त्र विद्रोह ने, हथियारों सहित जो सैनिकों ने, राजाओं ने जो विद्रोह किया था उससे अंग्रेजों की जो नींव थी वो हिल गई थी। अर्थात वो मतलब उनकी जो सरकार थी वो डगमगा गई थी। यहाँ पे उनके रूल रेगुलेशन को लोग मानने मतलब उनकी अवहेलना अवमानना
करने लग गए थे। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह हो गया था। 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। ये आपका इतिहास में प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति का सबसे पहला शहीद कौन था, तो सबसे पहला शहीद कौन था भाई, मंगल पांडे था, जिसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। कूच करना मतलब प्रस्थान करना, युद्ध के लिए प्रस्थान करना। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। अब आप कहोगे कि कब्जा कर लिया कैसे, मतलब दिल्ली तो भारत में ही थी। दिल्ली तो भारत में थी लेकिन दिल्ली पर जो गवर्नमेंट थी, जो शासन था, वो किसका था भाई, अंग्रेजों का था। और अंग्रेजों के शासन को वहां से तोड़ करके वहां पे इंडियन रूल लागू करके और फिर उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैलता गया। जिस तरह से जंगल में लगी आग तुरंत प्रभाव से जल्दी ही पूरे जंगल में फैल जाती है, उसी तरह से यह विद्रोह सारे देश में फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। विद्रोही क्या होते हैं, कौन होते हैं, विद्रोह करने वाले। कब्जा मतलब उनकी पकड़ में रहा, वो हिस्सा उनके अधीनस्थ हो गया था। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। स्थानीय विद्रोह क्या होते हैं, जो स्थान विशेष पे होते हैं वो। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद तुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। ये कौन थे भाई, 1857 के क्रांति के मुख्य नायक थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया था। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी एक आंदोलन का विशेष महत्व है। सांप्रदायिक सद्भाव क्या होता है भाई, जाति धर्म के आधार पर आपस में भाईचारा होना, वो क्या करता कहलाता है सांप्रदायिक सद्भावना। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय मतलब प्रसिद्ध है। वीर कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध, वयोवृद्ध क्या होते हैं, बुजुर्ग, बूढ़े व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ था। कब हुआ था भाई, 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक व्यवस्था कर पाए थे। पहले उनके पिता कहीं और रहते थे इसलिए उनकी देखभाल वो ठीक से नहीं कर पाए, लेकिन जब वो जगदीशपुर लौटे उसके बाद ही उन्होंने जगदीश कुंवर सिंह की देखभाल ठीक ठाक से की। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा।
कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की, वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपनी रियासत का कार्यभार संभाला, जिम्मेदारी ली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था, यानी कि ब्रिटिश हुकूमत अपनी मनमानी उस समय कर रही थी। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। रजवाड़े क्या होते हैं भाई? राजाओं के जो वंश होते हैं उन्हें रजवाड़े कहा जाता है। तो उनके जो राजा थे, उनके जो राज दरबार थे जहां पे सभाएं लगती थी, वो भी नष्ट हो गए थे। अब उन्हें किसी प्रकार की कोई आजादी नहीं थी। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों के पदों से वंचित कर दिया गया था, कि जितनी भी ऊंची जो नौकरियां थी, बड़ी बड़ी जो पोस्ट थी, वो सारी किसके साथ, किसके पास थी भाई? अंग्रेजों के पास थी। इस बात से भारतीय लोग क्या हो गए थे? उनसे रुष्ट हो गए थे, क्योंकि पढ़े लिखे भारतीय भी होते थे, लेकिन उन्हें किसी अच्छी पोस्ट पे नहीं रखा जाता था। जो भेदभाव की नीति थी वो अंग्रेज अपनाते थे। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई, कि पूरा देश जो है, देशव्यापी क्या होता है, पूरे देश में फैला हुआ। तो पूरे देश के लोगों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असंतोष जाग उठा था और सब उनकी खिलाफत करने लगे थे। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। लोहा लेना, मुकाबला करना। तो जगदीश सिंह ने ऐसी सिचुएशन में अंग्रेजों से मुकाबला करने का एक की मन में ठान ली। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की। स्वाधीनता क्या होता है भाई? अपने ऊपर आश्रित रहना, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहना, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करना। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1857 से 1846 सॉरी 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। क्रय विक्रय क्या होता है भाई? सेल परचेज, खरीदना और बेचना। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। आरा क्या है? अभी बिहार का एक जिला है जिसका नाम है आरा। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले ही था। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली और सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला में बिहार में स्वर लड़ाई की ज्वाला
बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिक शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। उस समय क्या था भाई, वो लोग एकजुट तो हो गए थे, लेकिन वहां के जो लोकल लोग थे उनमें एक तो अनुशासन नहीं था, उनको ये नहीं पता था कि हमें कब किस पर आक्रमण करना है, किस तरीके से करना है, न उनकी कोई गुटबंदी थी, न ही उनके पास कोई रूल रेगुलेशन थे, इस वजह से वो अंग्रेजों से मात खा गए। दूसरा, वहां के जो राजा लोग थे, लोकल जो राजा थे, वो अंग्रेजों का साथ देने लगे, जिससे भी जगदीशपुर का पतन होना निश्चित हो गया। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। परास्त मतलब हार जाना। किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में के लिए तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक पहुंच गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे देश में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आजादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते रहे और उनकी अगुवानी में लड़ते रहे। अगुवानी क्या होती है, नेतृत्व करना, मतलब आगे आगे चलना। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए, विजय पताका क्या होता है, जीत का झंडा या जीत की ध्वजा फहराते हुए जगदीशपुर तक पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा उतार कर और अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़कर चला गया। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई भाई, 26 अप्रैल 1858 को। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। छापामार मतलब अचानक से धावा बोलना, एकदम से अटैक करना। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या फिर कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, परंतु कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार
कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेजी सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर के बलिया के निकट गंगा के घाट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया, उन्होंने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया है, गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगे मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। उन्होंने क्या किया भाई, जैसे ही उनके हाथ में गोली लगी तो उन्होंने सोचा कि अब हाथ तो खराब हो ही गया है, इससे पूरे शरीर में जहर फैलेगा, तो उसने हाथ काट करके गंगा में प्रवाहित कर दिया और गंगा माँ से हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि हे गंगा माँ, मुझ गरीब की ये भेंट स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अपने सामाजिक कार्य भी अनेक सामाजिक कार्य भी कराए। समाज के हित के लिए उन्होंने कार्य करवाए। वो क्या क्या करवाए भाई, आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी, उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। जलाशय क्या होते हैं भाई, तालाब। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। संवेदनशील क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में बहुत गहराई से सोचने वाला। इब्राहिम खां और कियाफत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे, यानी कि वो सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। मकतब क्या होते हैं, मुस्लिमों के पढ़ने के स्थान। जैसे अपने छोटे स्कूल होते थे, ऐसे मुस्लिमों के लिए अलग से छोटे छोटे स्कूल होते थे, उन्हें क्या कहा जाता है, मकतब कहा जाता है। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोक गीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। प्रशस्ति क्या होती है भाई, उनका व्याख्यान करना, मतलब उनकी बड़ाई करना, प्रशंसा। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है कि चला गया यो कुंवर अमरपुर, साहस से अब अरिदल जीत, उसका चित्र देख कर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर पश्विनी भूमि धन्य है, धन्य वह धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गाएंगे हम हरदम उनकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो बिहार के एक प्रसिद्ध लेखक हैं, कवि हैं मनोरंजन प्रसाद, जिन्होंने कुंवर सिंह के जीवन के बारे में लिखा है, उनकी अमर गाथा के बारे में लिखा है कि कुंवर सिंह अमरपुर धाम को चले गए, अर्थात अमर हो गए। किस बात से, उन्होंने अपने साहस से बहुत, अरिदल क्या होता है, शत्रुओं का समूह, शत्रुओं के दल को मार करके जीत करके उनसे वो, और इतिहास में वो अमर हो गए।
उनकी तस्वीर देख करके भी आज अंग्रेजों को इतना भय लगता है कि वो डर जाते हैं। वीर प्रश्विनी भूमि धन्य वह है। वीर प्रश्विनी क्या होती है, वीरों को जन्म देने वाली उस भूमि को धन्य है जहां पर वीर कुंवर सिंह जैसे वीरों ने जन्म लिया। धन्य वीर वह धन्य अति धन्य है ऐसे वीर, और धन्य है वो प्राचीन समय जिस समय में ऐसे महान योद्धा हुए। गाते थे और गाएंगे हम हरदम उनकी जय के गीत, हम सदा उनकी जय जयकार करते रहे हैं और आगे भी उनके नाम की जय जयकार हम करते रहेंगे। स्वतंत्रता का सैनिक था और वो आजादी का दीवाना था। वीर कुंवर सिंह जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे और आजादी के दीवाने थे, आजादी से वो बहुत प्रेम करते थे, इसलिए सभी लोग कहते हैं कि वीर कुंवर सिंह बहुत मर्दाने थे, बहुत ताकतवर साहसी व्यक्ति थे। तो ये थी वीर कुंवर सिंह के जीवन चरित्र की घटनाएं, जीवन के बारे में और उनकी समस्त कहानी। तो आशा है आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण कठिन शब्द हैं जो मैं आपको राइट डाउन करके देता हूँ, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको राइट डाउन करके दे दी जाएंगे। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और उन्हें लर्न भी करना है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं डाउट क्लास में।